और आदित्य सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लगातार बने हुए। आदित्य, ये बात तार्किक तौर पर तो बिल्कुल सही मानी जानी चाहिए कि चाहे जितनी आपको विषमताएं नजर आए फैसले में, लेकिन ये बात ठीक है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत विधायक दल मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करता है और संसदीय दल मिलकर के प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। अगर वहां पर कोई विषमताएं सामने नहीं आती तो फिर इस नियम में संशोधन को फिर बुरी नजर से क्यों देखा जा रहा है, इसका विरोध क्यों? देखिए, जब अगर आप बात बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि बिल्कुल विधानसभा के विधायक मिलकर जो था मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे और लोकसभा में सांसद ही चुनाव करेंगे, लेकिन जो एक नए भारत की तस्वीर है, जो एक नया भारत दिखाना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि जो पुराने नियम है उसमें बदलाव कर, अगर वो बदलाव देश के लिए फायदेमंद होते हैं, किसी शहर के लिए फायदेमंद होते हैं, नगरीय निकाय के लिए फायदेमंद होते हैं, तो क्यों ना उनका इस्तेमाल किया जाए, ताकि ये बदलाव तो जनता के हित में ही होते हैं जो भी होते हैं। अब दूसरा इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये बदलाव किए गए और सीधे प्रणाली से महापौर चुनाव हुए, तो अगर आप बात करें इंदौर की, तो इंदौर स्वच्छता में नंबर वन किताब था। अगर मध्य प्रदेश के चार शहरों की बात करें तो भोपाल उसमें कमोबेश दूसरे नंबर पर था, उज्जैन तीसरे नंबर पर था। यानी कि आप सोचिए कि देश के इतने सारे शहर, जिसमें आप समझ सकते हैं कि 2000 से ज्यादा शहरों की जब रैंकिंग होती है, उसमें अगर हमारे प्रदेश के 2 से 3 शहरों का नंबर वन का किताब हासिल होता है, तो कहीं ना कहीं ये एक सकारात्मक संकेत की ओर जाता है। दूसरा, अगर इसमें तुलना ही करनी है तो आप पाश्चात्य देश, जो विकसित देश है जिसके ऊपर हम लगातार जिनकी बातें करते हैं, और वहां की चुनाव प्रणाली को भी देखें, तो वहां पर भी सीधे चुनाव की अनुमति इसलिए होती है कि वो व्यक्तिगत छवि के आधार पर, व्यक्तिगत जो जो क्षमताएं होती है उसके आधार पर, और उनके परिणाम उनको मिलते हैं। जैसे कि आज जो विश्व की सबसे मजबूत ताकतवर देश हैं, उनकी चुनाव प्रणाली पर भी अगर गौर किया जाए तो आपको कहीं ना कहीं ये चीजें सीधे तौर पर सामने दिखाई पड़ती नजर आएंगी। एक बार फिर से अगर जो ढर्रा बना हुआ है और उसी के हिसाब से चलना है और उससे ही अगर फायदा होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो हम 75 सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज 70 साल से ऊपर वक्त बीतने के बाद भी, आजादी के बाद भी, आज भी हम जो है संघर्ष कर रहे हैं उन विकासशील देशों के तर्ज पर आने के लिए, जिसका सपना हम बहुत पहले पूरा कर सकते थे। अगर आप गौर करें, थोड़ा सा पीछे जाएं, तो आज भारत की जो रुपए की कीमत है वो 1946 में अमेरिका के रुपए के बराबर हुआ करती थी, लेकिन 72 सालों में जो अमेरिका ने इस पूरे सफर को तय किया, यूएस ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया, वो कहीं ना कहीं उनके निर्णय और उनकी वो क्षमताएं रही है। तो ये सब चीजें बदलाव है, जो सवाल मौजूद है उसका हल ढूंढना भी इस वक्त जरूरी है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और रुक रहे हैं ब्रेक लेने, मध्य प्रदेश 36।